हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त जयता एक बार फिर आपको एक नया रेसिपी सिखाने आई हूँ। यह है झींगा का रेसिपी, झींगा बहार बोलते हैं इसको, इसको सीख लेंगे आज। तो बंधुरा, आमी जयता एक नतून रेसिपी निये आबार आपनादेर सामने चले एसेछि। आमरा चिंगड़ी माछेर एक सुस्वादु रेसिपी शिखब जेटाके चिंगड़ी बहार बला हय। लोगों को मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपनादेर ये रेसिपिटी भालो लागे ताहले आमार चैनलटिके अवश्यई सब्सक्राइब करबेन। देखिए, ये है झींगा जिसको मैंने अच्छे से काट के साफ कर लिया है। देखुन, एगुलो होलो टाइगर प्रॉन। हमें ये रेसिपिटार जो बागदा चिंगड़ी नहीं आपनारा चाहले गलदा चिंगड़ी नीते पारें। एभावे आमी ओगुलो के भालो करे केटे परिष्कार करे वॉश करे नियेछी। एगुलो एरकम देखते लग जाए, अभी ये ऐसा दिख रहा है, देख लीजिए। ये टाइगर प्रॉन मैंने इस रेसिपी के लिए लिया है। आप कोई भी बड़ा साइज का प्रॉन इस रेसिपी के लिए ले सकते हैं। उस झींगे को हम लोगों ने वॉश कर लिया है अच्छे से साफ कर लेने के बाद। अभी देखिए, मैंने कढ़ाई पे ऑयल डाल के, वाइट ऑयल मैंने डाला है ये रेसिपिटार जो। कड़ाई के गरम कर हमें सादा तेल दिए दिए। प्रॉन्स को मैंने हल्दी और नमक डाल के मैरिनेट कर लिया है एक दो मिनट के लिए। अभी उसको फ्राई करूँगी। देखो, चिंगड़ी मैच के हलूद नून नहीं मेखे नहीं, हमें फ्राई होते दिए। अभी देखिए, प्रॉन्स मेरा फ्राई हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रॉन्स को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे। पर साइड एक मिनट तक फ्राई करना है हमें। देखो, चिंगड़ी माछगुलो को भेजे नहीं, क्योंकि बेसिक्षण एगुलो को भाजबो ना, प्रत्येक साइडे एक मिनट को भाजा पड़ब। देखिए, मेरा जो प्रॉन्स है वो फ्राई करना हो गया। इसको हम लोगों ने फ्राई कर लिया है, हल्का करके फ्राई करना है। देखो, चिंगड़ी माछगुलो को हल्का कर फ्राई कर नहीं। फ्राई कर नार पर एगुलो एरकम देखते लग जाए, ये ऐसा दिख रहा है फ्राई कर लेने के बाद। हमें हल्का ही फ्राई करना है इसको, नहीं तो ये रबर जैसा बन जाता है। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा 3 चम्मच लगभग खसखस का पेस्ट, 3 चम्मच प्याज का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच ग्रीन चिली का पेस्ट। यही रेसिपिटार जो हमें 3 चामचर मत पोस्त बाटा, 3 चामचर मत प्याज बाटा, 2 चामच रसुन बाटा और 1 चामच लंका बाटा लागबे। एबार भालो करे आमरा अन्य एकटा पात्रे फेटिए नियेछि टक दई के, 3 থেকে 4 बड़ो चामचेर मापेर टक दई आमरा एखाने यूज करब। अच्छे से फेट के हम लोगों ने हंकर रेडी कर लिया, उसको भी इसमें यूज़ करेंगे। और 1 कटोरी नारियल का दूध हम लोग इस रेसिपी के लिए तैयार कर लिए, उसको भी यूज़ करेंगे। देखिए, दूसरी तरफ जो ऑयल में हम लोगों ने फ्राई किया था प्रॉन्स को, उसी ऑयल में हम लोग फिर से डाल रहे हैं 1 चम्मच घी। देखुन, जे तेलटा आमरा भेजे नियेछिलाम चिंगड़ी माछगुलो के, सेटार मध्य दिए दिलाम 1 चामचर मतो घी। एबार एटा हल्का गरम होते देव। अभी इसको हल्का सा गरम होने देते हैं कुछ देर। ये गरम हो गया, इसमें फोड़न के लिए हम लोग तेज पत्ता यूज़ कर रहे हैं एक, और मेथी फोड़न के लिए जा रहा है। देखो, ये रेसिपिटार जो हमें तेजपाता नहीं नियेछि फोड़ने, और अल्प किछुटा मेथी नियेछि। एबार एटाके एकटु फ्राई होते दिच्छी। अभी इसको हल्का सा फ्राई होने देते हैं कुछ देर के लिए। फोड़न मेरा रेडी हो गया। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज का पेस्ट। देखो, फोड़नटा फ्राई हो गए, हमें एर मध्य प्याज बाटा दिए दीची। एबार एटाके भालो करे एकटु नेड़े नियेछि। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ ये फ्राई हो जाने के बाद लहसुन का पेस्ट। देखो, एबार एर मध्य रसुन बाटाटा दिए दीची। एबार भालो करे नेड़े निच्छी। अभी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अभी इसमें जाएगा 1 चम्मच ग्रीन चिली का पेस्ट। अभी इसको भी मिला लेंगे। देखो, एबार लंका बाटाटा दिए दिलाम एवं भालो करे मिक्स कर निच्छी। अभी देखिए, मसाला मेरा अच्छे से भुन रहा है। अभी मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच जितना रेड चिली पाउडर। देखो, हमें एबार लाल लंकार गुड़ेर मध्य दिए दिलाम। एबार एटाके नेड़े निच्छी। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अभी इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। एबार एर मध्य बेश खानिकटा नून ऐड करलाम। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस टाइम पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर। एबार एर मध्य हलुद गुड़ो दिए भालो करे मिक्स कर निच्छी। अभी मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी मसाला अच्छे से मिक्स करने के लिए। देखो, मसलागुलो के भालो करे मिक्स करार जोन्नो आमी एर मध्ये अल्प एकटु जल ऐड करलाम। एबार एगुलो के भालो करे मिक्स करे निये भाजते देबो। अभी इसको अच्छे से मिला के फिर फ्राई होने के लिए कुछ देर रखेंगे।
जब तक ना मसालों से ऑयल सेपरेट होके आ जाए। ये मसालों से ऑयल सेपरेट होके ऊपर आ रहा है, देखून मसलार थेके तेल ऊपर दिखे चले आसछे। एबार आमी दिए देबो पोस्त बाटा। अभी मैं खसखस का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर रही हूँ। एबार मसलार साथे पोस्त बाटाटाके मिक्स करे निच्छि। देखिए खसखस का पेस्ट अच्छे से मिक्स होके पक गया है मसालों के साथ में। देखुन पोस्त बाटाटा भालो करे मिक्स करे देवार पर एटा रान्नाओ होये गेछे, भाजा होये गेछे, तेल बेरिये एसेछे। एबार एर मध्ये आमी भालो करे फेटिये रखा टक दईटा दिए दिच्छी। अब अच्छे से मिक्स किया हुआ हंकर जो हम लोगों ने तैयार करके रखा था दही, वो ऐड कर रही हूँ इसमें। अब मिला भी लिया मैंने। देखो दई देवार पर आमी भालो करे ओटाके मसलार साथे मिक्स करे निएछी। एटा एरकम देखते लागछे। अभी ये ऐसा दिख रहा है। देखिए मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चीनी। देखो ना मैं एबार अल्प एकटू चीनी एर मध्ये दिए दिलाम। एबार सबगुलोके मिक्स करे निच्छी। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अभी इसमें मैं प्रॉन्स डाल दूँगी जो फ्राई किया हुआ है। देखो ना एबार आमी भाजा चिंगड़ी माछगुलोके एर मध्ये दिए देबो। चिंगड़ी माछेर जो जूसटा आछे सेटा दिते एकदम भूलबेन ना। ये जो जूस है नीचे का ये देने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा, ये इसका टेस्ट बढ़ाता है। अब इसको अच्छे से मसालों के साथ में मिक्स कर देते हैं। एक बार माछगुलो के मसलार साथे मिक्स करे निच्छी। देखिए मसालों के साथ मैंने प्रॉन्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी तैयार किया हुआ नारियल का जो दूध था वो डाल दूँगी एक कटोरी। देखून जो नारकेल दूध तो हमने रेडी करे निएछिलाम, एबार सेटाके ऊपर थेके दिए दिलाम। मसलार साथे प्रॉन्सगुलोके आमी भालो करे मिक्स करे नेयार पर एबार दूधटा दिए दिलाम। एबार भालो करे एटा मिक्स करे निच्छी। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। सब चीज़ों के एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब ढक के 5 से 10 मिनट इसको धीमे आँच में होने देंगे। एबार एटाके ढेके देबो और 5 से 10 मिनट एटाके रान्ना होते देबो। गैसटा सिम करे राखबो ई समय। देखिए अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए, इसको पकने दूंगी। एबार 5 से 10 मिनट एटा ढकना लगिए होते देबो। अभी देखिए 5 से 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा लिया है। अभी इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। 5 से 10 मिनट एटा ढाका दिए रान्ना करार पर ढाकनाटा तुले निएछी। एबार एर मध्ये 1 चा चामच घी ऐड करे दिएछी। अभी 2 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था, 2 मिनटের জন্য ঢেকে রেখেছিলাম। এবার ঢাকনাটা সরিয়ে নিয়ে এর মধ্যে গরম মশলা পাউডার অ্যাড করছি। अभी इसमें 2 মিনিট বাদ ঢাকন হটা লিয়া মানে আর গরম মশলা পাউডার অ্যাড কর দিয়া হ্যাঁ ফির সে ঢক দিয়া। লেনে কে বাদ মানে ঢাকন বন্ধ করকে গ্যাস কো বন্ধ কর দিয়া থা। দেখুন গরম মশলা দিয়ে দেওয়ার পর আমি ঢাকা বন্ধ করে গ্যাসটা অফ করে দিয়েছিলাম। এবার এটাকে সার্ভ করে দিয়েছি। দেখুন আমার চিংড়ি বাহার তৈরি হয়ে গেছে। দেখিয়ে মেরা প্রন বাহার जो था वो रेसिपी तैयार हो गया है। देखिए कैसा बना है, देखे नीन कैमन एटा तैरी हो चे। और ये रेसिपिटा बाड़ीते ट्राई करते एकदम भूलबेन ना। ये रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे लिख के भेजिए कि कैसा बना है ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। আমার এই রেসিপিটা আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে এটা বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন। নয় নয় রেসিপি পানে কে লিয়ে মেরি চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব জরুর কিজিয়ে। নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নেবেন। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আপ ফিরসে আপসে মিলুঙ্গি এক নয় রেসিপি কে সাথ।